सब्सक्राइब कीजिए रेसिपी विद क्रेजी सीमा को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, इससे इस शहर की इजी और टेस्टी रेसिपी का मैसेज सबसे पहले आपके पास आएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी विद क्रेजी सीमा। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी कुल्फी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं ब्रेड से बनाऊंगी। बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी फ्रेंड्स कि अगर आपने मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं इजी और टेस्टी रेसिपीज अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए ब्रेड की कुल्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड कुल्फी बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, इसे आप घर पर बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसे बनाने के लिए और 10 से 15 मिनट का टाइम ही लगता है इसके प्रिपरेशन में। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इसके ब्राउन पार्ट को मैंने कट करके अलग कर दिया है, ये देखिए। यहाँ पर मैंने ब्रेड के ब्राउन पार्ट को फेंका नहीं है, इसका आप ब्रेड क्रम बनाकर किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में मैंने आधा लीटर दूध लिया है, ये फुल फैट दूध है। इसके अलावा आधा कटोरी चीनी लगेगी हम, यानी आप कह सकते हैं लगभग 50 ग्राम्स के करीब ये चीनी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ में पके हुए नारियल को मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने चिरौंजी ली है। इसके अलावा मैंने इलायची पाउडर लिया है, इलायची को मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है, ये देखिए, उसकी छिलकी निकाल कर अलग कर दिया है। नारियल और चिरौंजी की जगह कोई दूसरा ड्राई फ्रूट अपने पसंद का यूज़ कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम टेस्टी कुल्फी, ब्रेड की कुल्फी। तो ब्रेड को हम इस तरह से तोड़ लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में हम ब्रेड को तोड़ के अलग कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए। और ब्रेड तोड़ने के बाद में हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखिए ब्रेड को हमने अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो अब हमने दूध को रख दिया है गैस पर ऑन करके, इसे हम पहले गर्म हो जाने देंगे, अच्छी तरह से बॉईल हो जाने देंगे। तो दूध हमारा बॉईल होने लगा है, तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नारियल जो हमने कद्दूकस करके रखा हुआ है वो, और साथ में चिरौंजी। तो यहाँ पर मैंने नारियल डाल दिया और ये चिरौंजी डाल दी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो हमने ब्रेड रखा हुआ है तोड़कर उसे डालेंगे। अब हम इसे लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक के लिए पका लेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम पर करके। तो अब हम इसमें डाल देंगे इलायची, इलायची का पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा हमारी कुल्फी का। अब इसे हम लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए और ब्रेड भी अच्छी तरह से घुल जाए। अब इसके बाद इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ये ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे रेफ्रिजरेट करेंगे, फ्रीज़र में डालेंगे। तो इसे हम एक कंटेनर में भर देंगे, जो हमारा मिक्सचर है कुल्फी का उसे एक कंटेनर में इस तरह से भर देंगे। इस तरह से डाल दिया मैंने इसे कंटेनर में। और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए काजू ऊपर से डाल रहे हैं, ये देखिए, ये ऑप्शनल है टोटली। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी चिरौंजी डाल दी मैंने, इसे देखने में और अच्छा लगने लगेगा। इसके ढक्कन को अब हम बंद कर देंगे और इसे 7 से 8 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। लगभग 8 घंटे के बाद इसे मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है, इसे खोलकर देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो ब्रेड कुल्फी है वो जमकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही आसानी से बनाना। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर